अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। ओके, ये जो थ्योरी है ये डेविड रिकार्डो की है। ओके, सबसे पहले इस थ्योरी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मतलब क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, कि किसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब आपके पास जो है ना अल्टरनेटिव ज़्यादा हो, ठीक है, कुछ को आप जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ को आप सेक्रीफाइस कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब अल्टरनेटिव ज़्यादा होते हैं कॉस्ट के, ठीक है। आप एक को चूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे को जो है ना आप सेक्रीफाइस कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बैंक है मेरे पास, बैंक में पैसे पड़े हैं, ओके, वो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं जो है ना एजुकेशन पर्पस के लिए वो पैसे निकालूं और अपनी फ़ीस जमा करूं, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं जो है ना अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं उन पैसों पर, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना सेलेक्ट करूंगा, चूज़ करूंगा उसको, फ़ीस को, ठीक है। तो एक को मैंने चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और दूसरे को क्या कर लिया, वो जो बिज़नेस वाला आइडिया था मेरा कि मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ, अल्टरनेटिव होते हैं ना मेरे पास, उसको मैंने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। जब आप एक को सेलेक्ट कर लेते हैं या बाकी जितनी भी थे या एक है या दो है उनको आपने सेक्रीफाइस कर लिया, सो दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो आते हैं उसके ऊपर, कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, ठीक है। अ कंट्री हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज व्हेन दे आर मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी एक कंट्री है वो ज़्यादा एफिशिएंट है दो प्रोडक्ट्स बनाने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है। प्रोड्यूसिंग एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्रीज़, ठीक है। यानी वो जो है ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्रीज़, यानी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में वो अच्छा जो है ना प्रोडक्ट जो है ना लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, दूसरे पेज पर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंट्रीज है, कंट्री ए को जो है ना मैंने पाकिस्तान दे दिया, कंट्री बी को जो है ना मैंने ऑस्ट्रिया दे दिया, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल जो आता है, पाकिस्तान जो है ना वो 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। 5 को हमने नाम दे दिया नंबर दे दिया वन रेशो, और जो 10 है इसको हमने नंबर दे दिया 2, ओके। ये दोनों कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम निकालते हैं, जो जिसकी लो होगी तो कंट्री जो है ना वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, ओके। पर आप देखें पाकिस्तान जो है ना वो अगर 5 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है तो जितनी भी 10 थे वो उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। एक को तो वो चूज़ कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके। यानी अगर आप 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे को आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करें, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि किसकी जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है और कौन सा जो है ना कंट्री प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो, ओके। तो फिर अगर हम 10 को करें 1:1, फिर अगर हम 5 को करें यहाँ से स्टार्ट हो जाए 1:2, ओके। अभी पाकिस्तान का तो हो गया, पाकिस्तान का हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी ऑस्ट्रिया की कर रहे हैं हम, 40 है 1:1, अभी इस 40 की बारी है 1, ठीक है। फिर अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स ही करें, क्लॉथ का तो हमने मतलब क्लॉथ का ये है, ये क्लॉथ है, अच्छा, दोनों कंट्रीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा वो कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। और यहाँ पे भी 40 है ना, कोल्ड ड्रिंक्स का भी 40 है ऑस्ट्रिया का, यानी कंट्री बी का, यहाँ पे भी 1:1, ठीक है। अभी आप ख़ुद देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम है, ठीक है। पाकिस्तान अगर प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, कोल्ड ड्रिंक्स करेगा, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, ठीक है। आप लोग देखें 1:1, ठीक है। अगर ऑस्ट्रिया जो है ना प्रोड्यूस करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लॉथ है ना, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया है, कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर ऑस्ट्रिया प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, ये वाला करेगा 1:1, ठीक है। ऊपर वाला जो है ना वो ज़्यादा है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, तो ये वाला ऑस्ट्रिया प्रोड्यूस करेगा,
और ये जो है ना वो करेगा, पाकिस्तान जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स करेगा प्रोड्यूस, और जो ऑस्ट्रिया है वो जो है ना वो क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग को समझ आ चुका हो, क्योंकि कंपेरेटिव एडवांटेज जो है ना उसमें लो अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। लो अपॉर्चुनिटी जो भी हो, ठीक है, लो अपॉर्चुनिटी जिस कंट्री की भी हो तो वो जो है ना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा।